अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, हमारे घर में आ रहे हैं छोटा सा नन्ना सा मेहमान। तो फाइनली मैं आपको बताती हूँ, वो नन्ना मेहमान बेबी है या बाबा, ये भी मुझे अभी बस पता चला है। क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन में थे, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी का जो होता है मसला वो बहुत ज़्यादा होता है और टेंशन का होता है। बस यही था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, फिर एंड टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन किया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीएन शिफा हॉस्पिटल। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िए रहेगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती हूँ पूरी वीडियो और आप लोगों को नन्हे मेहमान से भी मिलाती हूँ। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल गए थे, मैं थे, मेरे हस्बैंड और बच्चे थे, और जो अम्मी थी मेरी सास थी वो थी हॉस्पिटल में ही साथ में। उनकी जो मेरी जिठानी है उनकी अम्मी भी थी, वो दोनों हॉस्पिटल में ही थी उनके साथ, तो उनकी देखभाल के लिए और बच्चे के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो हम लोग बस यही देख रहे थे कि कब कॉल आए और हम लोग फ़ौरन जाएं हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए। तो आपको पता है घर में भी पीछे कोई नहीं था तो देखने वाला, वरना तो हम लोग पहले चले जाते। बस एक दिन बाद हम लोग जा रहे हैं क्योंकि फिर घर की टेंशन थी, घर में फिर मैं अकेली थी और घर का काम वगैरह भी देखना था और बच्चों को भी देखना था, फिर बच्चों को मैं किसके पास छोड़ कर जाती, तो इस वजह से मैं अभी बच्चों को साथ ही लेकर जा रही हूँ ताकि वो भी थोड़ी आउटिंग वगैरह कर लेंगे और थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बस हॉस्पिटल के अंदर इंटर हो चुके हैं और फिर आगे का व्यू दिखाऊंगी। और मौसम भी इतना प्यारा और अच्छा हो रहा था और यहाँ का ये जो हॉस्पिटल है ये भी बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत सा ये देखिए नज़ारा है यहाँ पे। तो अभी बस हम पार्किंग वाली जगह पर जा रहे हैं और बाइक वहाँ खड़ी कर देंगे और फिर हम लोग जाएँगे हॉस्पिटल के अंदर। तो ये देखें अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और बस दिल की धड़कन धक धक हो रही थी। तो हम लोग मिलने जा रहे थे छोटे मेहमान से और बहुत ज़्यादा खुशी थी, बच्चे तो मुझसे भी ज़्यादा खुश थे, सभी खुश थे। तो बस बच्चों को पता है ना, कह रहे थे हम लोग मिलेंगे। तो अभी हम लोग बस ऊपर आए और ऊपर जा रहे हैं और हानिया भी थी, हानिया भी आई है, काफ़ी दिनों बाद घर से निकली थी तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस हम लोग कभी पहुंच चुके हैं और सब ने देखते साथ ही माशाल्लाह ज़रूर कहना है, माशाल्लाह से। ये देखें हमारा नन्ना सा मेहमान और हुज़ैफ़ा उसके साथ बहुत सारा प्यार कर रहे, उसे बार बार किस कर रहा था और सब ने बोलना है माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जिठानी का बेबी हुआ है या बाबा। तो हाँ जी, ये मेरी जिठानी का हुआ है बेटा माशाल्लाह से, जो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। तो अब ये सो रहा है और मैंने इसे अपनी गोद में लिया है और साथ बच्चे इसको प्यार कर रहे हैं और साथ में उस्मान भी प्यार कर रहे थे। तो हम लोग बस थोड़ी देर बैठे और उसके बाद टाइमिंग ख़त्म हो गई थी हॉस्पिटल की मिलने की। तो अभी हम लोगों को गार्ड ने कहा है आप लोग घर चले जाएं। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें अभी पार्किंग वाली जगह पे आए उस्मान और उन्होंने बाइक निकाली और हम लोग बाइक पे बैठे और घर की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और साथ में हमारा नन्ना मेहमान भी आपको बहुत प्यारा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।